डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.4 पे, ठीक है। ये एक्सरसाइज 4.4 जो है नेचर ऑफ रूट्स, मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। जब बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या वीडियो जो है आप जरूर देख लीजिएगा। वैसे मैंने आपको क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसके रूट्स रियल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर होता है तो क्या होता है, रियल एंड इक्वल होता है, ठीक। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होता है, लेस देन जीरो होने का मतलब क्या हुआ, निगेटिव अगर होता है तब रूट्स क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं, ठीक है। ये तीन कंडीशन होते हैं नेचर ऑफ रूट्स के, बात समझ गए। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसका नेचर जो होता है उसके रूट्स का किस पर डिपेंड करता है, इसी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लगाने का मेथड आप देखिएगा, कह रहा कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अब कंपैरिजन करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम वन एंड टू। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ अब निकालिए डिस्क्रिमिनेंट, निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ठीक है। तो b कितना है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a हो गया 2, और c का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 4 टू 5 जो 40, ठीक है। ये कितना है, माइनस 31। अब ये माइनस 31 है ना, तो क्या हुआ, लेस देन 0। तो b स्क्वायर माइनस 4 ए सी निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0, इसका मतलब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी रूट्स हो गए, ठीक है। तो इमेजिनरी रूट्स हो गए, तो इसके आगे हम रूट्स निकालेंगे ही नहीं, बात समझ में आ रहा है। अगर क्या होता, ग्रेटर देन जीरो होता या इक्वल टू जीरो होता, तब हम रूट्स फाइंड करते, ठीक है। अब ये इमेजिनरी आ गया तो फिर इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, बात समझ गए ना। अब आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी दोनों इसमें पार्ट 2 और इसका पार्ट 3 आप खुद करिएगा, इसको मैं छोड़ रहा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसको देखिएगा। अब दूसरे का दूसरा पार्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरा वाला अगर आप समझ जाएंगे तो पहला आसानी से लग जाएगा। इसमें कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, फाइंड k इन केस ऑफ इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, ठीक है। मतलब यह है कि इसमें पहले यह दिया हुआ है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है, इक्वल है, ठीक है, और के का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं इसमें दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, ये के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, पहला वाला सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, आप उसको लगा सकते थे, ठीक है। तो पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इसको तोड़िए, पहले ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के बाहर के एक्स है, मतलब इसका इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है। तो के एक्स में एक्स का गुणा होगा तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, बात समझ में आया। देखो के एक्स स्क्वायर और फिर माइनस टू में के एक्स का गुणा हुआ, माइनस टू के एक्स हो गया, प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसका कंपेरिजन हम किससे कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो ए का वैल्यू कितना हो गया के, बी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस टू के, और सी का वैल्यू कितना हो गया, सिक्स। देखो ए किसके बराबर, के बराबर, b क्या हो जाएगा, माइनस टू के, और c क्या हो गया, सिक्स हो गया, बात समझ गया। तो फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स का क्या कंडीशन होता है, b स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, b स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो गया। तो b का वैल्यू कितना है, माइनस टू के है, तो माइनस टू के का स्क्वायर, a का वैल्यू हो गया k, और c का वैल्यू हो गया सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो माइनस टू के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 24k, 4 6 24 इक्वल टू जीरो। यहाँ से 4k कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, k माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो पहला क्या होगा,
फोर के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो अपॉन फोर, तो क्या हो गया जीरो, ये अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है। वाई अनएक्सेप्टेबल इसलिए हो जाएगा कि देखिए इसमें अगर आप यहाँ पे k इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो जीरो का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो जीरो का x मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो क्या बचा, सिक्स बचा ना केवल, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन k माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर इक्वल रूट्स दिया रहता है, कहता कि रूट्स इक्वल है, इसको फाइंड करिए, तो हम उसमें क्या करेंगे, जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है उसको जीरो के बराबर मान लेंगे, और जीरो के बराबर मान के फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है कि इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन बना के देखना कि क्या वो सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखिए इसमें करना हमको बेसिकली ये है कि जो सिचुएशन दिया है उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, फिर देखेंगे कि उसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रूट्स एग्जिस्ट करने का मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या है, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो कितनी आ रही है, ठीक है, पहले हम ये चेक करेंगे। तो इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव डिजाइन करें जिसकी लेंथ उसके ब्रेथ की क्या हो, डबल हो, ट्वाइस हो, और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर ऐसा है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है एबीसीडी, तो मैंने मान लिया ब्रेथ कितना है इसका, एक्स है, तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका, डबल, यानी कि 2x। अब लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है, एरिया के बराबर है, तो लेंथ कितना हो गया 2x, ब्रेथ हो गया x इक्वल टू 800, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब एक चीज आप देखना है यहाँ पे कि हम यहीं से आंसर निकाल सकते हैं, यहीं से हमको पता चल गया, देखो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800 अपॉन 2 400 हुआ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400, ठीक है, तो 20 आ जाएगा। तो यहीं से हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये पॉसिबल है, बट अकॉर्डिंग टू रूल हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करके हम दिखाएंगे कि हाँ इसका रूट एग्जिस्ट करेगा, पॉसिबल होगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाता हूँ, देखो इसमें x वाला टर्म नहीं है, बात समझ में आया, 800 को इधर लाया तो माइनस 800 हो गया, और इसमें x वाला टर्म नहीं है तो मैंने इसको लिखा 0x, ठीक है, तो 0 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 800 इक्वल टू 0। अब इसका हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर कंपेरिजन करें तो a का वैल्यू कितना हुआ 2, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू कितना हुआ माइनस 800, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ac निकालते हैं, तो b कितना है 0 का स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू हो गया 2 और c का वैल्यू हो गया माइनस 800। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 और 00, तो ये कितना हुआ 6400 हो रहा है ना, तो 6400 क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन क्या है, पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो अब सॉल्व कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0 था यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 अपॉन 2, तो x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 400 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया 400, और 400 कितना हो जाएगा प्लस माइनस 20, ठीक है, दोनों लिखेंगे, प्लस भी लिखेंगे और माइनस भी लिखेंगे, तो ब्रेथ तो माइनस हो नहीं सकता है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, ब्रेथ कितना हो जाएगा प्लस 20 मीटर, तो ब्रेथ जो अगर 20 मीटर हो गया तो लेंथ क्या है इसका ट्वाइस है ना, तो 2 इंटू 20 कितना हो गया 40 मीटर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, अगर ये पॉसिबल है तो परसेंटेज क्या करिए, फाइंड कीजिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, दो फ्रेंड है उनकी एज का सम क्या है 20 इयर्स है, ठीक है, मतलब दो फ्रेंड्स हैं उनके एज को अगर हम जोड़ दें तो उसका सम कितना है 20 इयर्स है। फिर कह रहा 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48, ठीक है, 4 साल पहले उनके एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं दो फ्रेंड है, तो मान लेते हैं लेट द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड इज एक्स इयर्स, पहले फ्रेंड की एज कितनी है एक्स इयर्स है, ठीक है, अब दोनों का सम 20 है तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, जैसे मान ले सिंपली मैं कहूँ कि आप और आपके फ्रेंड की एज का सम 25 इयर्स है, ठीक है, अगर आपकी एज 15 ईयर है तो आपका फ्रेंड कितने साल का होगा, कितने इयर्स का होगा, 10 इयर्स का होगा, ठीक है, तो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, ये हमने निकाल लिया,
अब हम 4 साल पीछे चलते हैं, 4 ईयर से को, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगा, एक्स माइनस फोर, 4 साल पहले घटा दिए, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा, इसमें से 4 माइनस कर देंगे, 20 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, सॉरी प्रोडक्ट का एज कितना था, 48 था। प्रोडक्ट माने क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम x माइनस फोर में 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो x में 16 से मल्टीप्लाई हुआ 16x, और x में माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस फोर में 16 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 64, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। अभी माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20। ये माइनस 64 प्लस 48 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 48 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और 64 और माइनस 48 कितना होगा, माइनस 112 हो जाएगा। अब इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, माइनस वन से, माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है, हम चाहें तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, का वैल्यू माइनस वन हो जाएगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने से होता क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब ऐसा कंपेरिजन आप कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 1, बी का वैल्यू माइनस 20, सी का वैल्यू 112। अब निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हो गया 1 और c का वैल्यू हो गया 112। तो माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। अब 4 इंटू 112 कितना हो जाएगा, 448 हो जाएगा। तो 400 में से 448 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 48। अब माइनस 48 क्या है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 होने का मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जब रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। ये आसान क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको लगाइएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे अगले वीडियो में, वो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझ में आया हो, सारे वीडियो समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।